हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ्स नैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है, क्या जब आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लोगे तो क्या आपको जॉब मिलेगी या नहीं। तो आज मैं यही टॉपिक लेकर आई हूँ, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सोचते हो कि मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स करूं या ना करूं, पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप प्लस टू कर चुके हैं और फिर भी आप सोच रहे हैं कि पता नहीं, जैसे अब अभी अभी कोविड ख़त्म हुआ है, क्या होटल चलते होंगे या होटल खुल गए हैं तो मेरी कहाँ जॉब लगेगी और कैसे लगेगी। तो यही सब मैं आज मैं आपको बताने आई हूँ कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि जब कोविड था, 2 साल हो गए 2019 में जब कोविड आया, तो होटल जो है वो बंद हो चुके थे क्योंकि सबका घर से बाहर निकलना बंद हो गया था और सबको घर में रहने के लिए ही बोला गया था। तो उसमें काफ़ी शेफ की, काफ़ी जनों की जो है जॉब गई थी, यहाँ तक कि होटल में जो जॉब करते थे उनकी भी जॉब गई थी। बट अब सब कुछ जो है ठीक हो चुका है, कोविड प्रॉपर तरीके से गया नहीं है, बट अभी होटल जो है वो चल चुके हैं। अब काफ़ी होटल है जो चल रहे हैं, अब तो काफ़ी जगह जो है घूमने का, जैसे आप गोवा जा सकते हो, आप जैसे वैष्णो देवी मंदिर जा सकते हो, कहीं पर भी आप जाओगे तो वहाँ पर होटल जो है खुले हुए, हर जगह होटल खुल चुके हैं। क्योंकि आप जब जाओगे वहाँ पर आपको स्टे करना होगा, वहाँ पर आप घूमोगे फिरोगे और वहीं का जो है होटल में आप खाना खाओगे। अगर आप ये सब सोच के देखोगे कि अगर हम बाहर जाते हैं घूमने के लिए, चाहे हम वैष्णो देवी जाए, चाहे हम गोवा जाए, चाहे हम कहीं पर भी जाए, कुल्लू मनाली वगैरह कहीं पर भी आप टूर पे जाते हो, तो आपको जो है रहने के लिए कहाँ रुकना होगा, आपको होटल में ही रुकना होगा और खाने के लिए आपको होटल में ही खाना खाना होगा। तो आप ये सब सोच के देखिए क्या, और फिर आप देखिए क्या वहाँ पर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं कराएगा, और वो इसलिए ही वो जो है उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा था पहले से और उन्होंने अब भी जो कर रहे हैं उनको जॉब मिलेगी मिलेगी। वो सिचुएशन अलग थी कि कोविड आ चुका था और अब कोविड जो है प्रॉपर तरीके से गया नहीं है, फिर भी अब होटल चल चुके हैं पहले जैसा। धीरे धीरे वो जो है पहले वाली जितनी भी जो भी पहले वाली जो कंडीशन थी वो सब कुछ आ चुकी है। अब आपको कुछ नहीं सोचना, आपने प्लस टू कर चुके हैं तो आपको जो है होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेना चाहिए। आपको अगर होटल मैनेजमेंट का कोर्स अगर आप करते हो तो इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है आपको जॉब मिलने की। आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हो, आप अब्रॉड में कर सकते हो, आप गल्फ कंट्री में कर सकते हो, आप इंडिया में भी कर सकते हो, यहाँ तक कि आप जो है शिप जॉब पर भी कर सकते हो, आप एयरलाइन में भी कर सकते हो, आप हवाई जहाज में भी कर सकते हो, आप कहीं पर भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हो, यहाँ तक कि आप हॉस्पिटल में भी कर सकते हो क्योंकि हॉस्पिटल कैटरिंग होती है। मैंने काफ़ी जो है जॉब के लिए मैंने बताया कि कहाँ कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी है इस होटल मैनेजमेंट के कोर्स करने के बाद, तो वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर है। हॉस्पिटल में है, आपकी जो है गल्फ कंट्री में है, शिप पर है, हर जगह है, और यहाँ तक कि आप खुद का जो है बिजनेस भी खोल सकते हैं, खुद का अपना होटल भी खोल सकते हैं, आप जो है जैसे अपना क्लाउड किचन भी खोल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पता भी चल गएगा कि अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोई सा भी कोर्स करते हैं, चाहे आप डिप्लोमा करें चाहे आप डिग्री करें, तो आपको जॉब मिलेगी मिलेगी कहीं पर भी। बट वो आपके ऊपर है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है किसी भी चीज़ में। अगर आपके अंदर पेशन है किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए और जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, अगर आप वो मन लगा के करते हैं तो आपको वो जॉब मिलेगी। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। और कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर।